जय श्री राम दोस्तों, मैं ना सुमो, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ब्रूडल सुमो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करो सब मस्त रहेंगे, हंसी खुशी जी रहेंगे। तो गाइस मैं आ गया आपके लिए और मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो उतरे स्टील आर्क में। और भाई मजाक से हटके भाई, इस वीडियो में जो लास्ट बंदे को हम लोग मारते हैं भाई, उसको जो मैं ट्रोल करता हूँ, मजाक से हटके बंदा हो चुका होता है नॉक। मेरे टीममेट ने नॉक किया था और उसके टीममेट ने मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया था भाई, उस पर था सेल्फ रिवाइव। तो भाई मैं उसके सामने जाके बैठा हुआ हूँ भाई, जबकि भाई तू सेल्फ रिवाइव ले, तू रिवाइव हो और किल मुझे दे भाई। बंदे के एकदम मुंह पे जाके बैठा हो और जैसे ही बंदा रिवाइव होता है उसको सीधा खत्म कर देते हैं, पर वो सारी चीज़ें पीछे है। तो उसके लिए आप लोग को वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सीन ही एंड में। तो गाइस तो अभी हम लोग पहले तो स्टील आर्क में यहाँ मजे ले रहे होते हैं, और अगर आपको वीडियो हल्की सी पसंद आएगी, अगर आएगी तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं जो आप हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम लोग का गोल है 150 सब्सक्राइबर का, जिससे हम लोग अभी सिर्फ 14 सब्सक्राइबर दूर है। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को बहुत आगे लेके जा सकता है। तो भाई फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टील आर्क में, और भाई यहाँ बंदों को भाई ढूंढ ढूंढ के मार रहा होता है भाई, मजाक से। एक बंदा तो यहाँ पता नहीं ये बंदा करना क्या चाह रहा था भाई, सीधा भाग के जाते हैं इसको। जैसे मेरे को लगा कि इसको कहीं का ट्रेन छूट रहा होगा, इसलिए वो सीधा वहीं से निकलने वाला था बार बार, तो पर भाई मेरे को फुट स्टेप आ जाता है, मैं सीधा जाके उसको पकड़ देता हूँ। अब क्या होता है, ऊपर से मुझे लगता है नीचे कुछ बंदे कूद रहे होते हैं, जिसमें से कूदे भी हैं असल में, जिसमें से एक को मैं पकड़ता हूँ सीधा उसकी पेटी पैक करता हूँ। फिर ऐसा नहीं कि ये अकेला बंदा था, ना ना ना, अब क्या होता है बाहर से एक बंदा मेरे को स्पॉट कर चुका होता है। अब भाई मैंने भी उसको स्पॉट कर लिया, अब दोनों ने स्पॉटिंग तो खेल ली, पर बंदे के पास भी मौली थी, मेरे पास भी मौली थी, दोनों ने एक दूसरे पे मौली फेंकी। पर ये है कि मेरी मौली पहले चली गई और बंदा आग में जल रहा था, भाई मैंने उसी में S32 उस पर बजा दी और बंदे को सीधा नॉक कर देता हूँ, और वो डायरेक्ट फिनिश भी हो जाता है, मतलब अपनी स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा हुआ था, और क्या पता उसकी स्क्वाड को मैंने ही मारा होगा। पर वो सब हटाओ भाई, सामने देख सकते हो दो नॉक हैं, एक का किल चुराया, दूसरे का चुराया, तीसरे को नॉक किया भाई। यहाँ पे प्रॉपर खत्म कर रहा हूँ बंदों को, अब यहाँ के प्रॉपर 1v3 भाई, मजाक करके ये 1v3 बहुत सेक्सी था। अगर आपको ये 1v3 भी सेक्सी लगा तो भाई कमेंट में बता दो कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है तो भाई लिख दो यार कमेंट में। और भाई उसके एक इस 1v3 के लिए लाइक तो बनता है ना, इस बंदे के लिए लाइक कर दो, बेचारा सीढ़ी से आया सीधा मेरे से पिटता है और चला जाता है। अब क्या होता है भाई, थोड़ा सा नीचे आता हूँ यहाँ पे सीढ़ी के पास आता हूँ, अब क्या होता है मेरे को यहाँ नीचे से बंदे दिख रहे होते हैं। अब क्या होता है मेरी टीम तो यहाँ पूरी मर गई और मैं यहाँ अकेला बचा हुआ होता हूँ। अब क्या होता है इस बंदे को मैं सीधा आता, मैं सोच के रखा था भाई इसको सीधा नॉक फिनिश ही डालूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे बचने का चांस मेरे को थोड़े से कम लग रहे थे। तो भाई उसको सीधा नॉक फिनिश डाल के मैं मर जाता हूँ, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा यहाँ मिल्टा के पास, जो आउटपोस्ट है उधर आ जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे होते हैं। अब क्या होता है मेरा टीममेट बोलता भी है बंदे, और एक बंदे को डैमेज भी देता है। अब भाई मैं सीधा जाता हूँ बंदे के पीछे, अब भाई मैंने भी उसको थोड़ा डैमेज दिया, पर भाई मेरे को एक चीज़ समझ गया, उसको 4 गोली एक एम की लगी, इतना जल्दी बंदे हील कैसे कर लेता मुझे नहीं पता चलता। फिर हम लोग धीरे धीरे मिल्टा की तरफ जाने लगे, और ऐसा नहीं है मिल्टा में फाइट नहीं है भाई, बंदों को चलती बगी से उतारूंगा, बस देख लो, अगर देख के मजा भी आएगा तो भाई लाइक भी कर देना। आप लोग बोले भाई इतना लाइक कभी मांग देना होगा, दे देंगे वरना तू भूल जा, तो भाई दे दे यार, गरीब गरीब का भला कर दो यार। अब क्या हम लोग यहाँ सीधा उड़ के जाते हैं मिल्टा की तरफ, अब नीचे से आपको बगी दिख रही है, और मेरे टीममेट जो मेरे आगे उस पर ऑलरेडी एक बंदा है, और ये जिस बंदे को हम लोगों ने वहाँ मारा था उसी के टीममेट्स थे, और इनके एक टीममेट ने पता है क्या किया था, हमारे एक टीममेट को सीधा नॉक फिनिश डालता, हम लोग ऑलरेडी इनकी स्क्वाड को ही ढूंढ रहे थे, जिसमें से एक बंदे को चलती बगी से नॉक किया, दूसरे को डैमेज दिया, तीसरे को आके इधर नॉक करता हूँ, और तब तक मेरा टीममेट वहाँ पे एक नेट फेंक के दोनों की उठा लेता है, क्योंकि वो रिवाइव हो चुका होता है। फिर वहाँ भी हम लोग थोड़ा आगे जाकर मर जाते हैं। तो फिर हम लोग आते हैं सीधा पोचिंकी की तरफ, अभी पोचिंकी की तरफ है, सामने आता है बंदा भाई, एक बंदा नॉक, बगल से फुट से आता है, अबे दूसरे बंदे को भी सीधा नॉक, इसको सीधा फिनिश डालता हूँ। पर तब तक मेरा टीममेट मेरे पीछे, जो मैंने पहले नॉक किया था उसको भी मेरा कन्फर्म कर देता है मेरा टीममेट। अब क्या होता है सामने होता है एक बंदा, अब भाई UMP ग्लेशियर है उस पर, अब भाई वो कर देता है मुझे सीधा नॉक फिनिश, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा। ये क्या होता है यहाँ पे, मैं अपने टीममेट्स के बाद ये स्टील आर्क में जा रहा होता हूँ असल में। अब भाई यहाँ पे बंदे ने सीधा मेरे पे ये कूप चढ़ाने की कोशिश की, पर भाई है ना मैं है, वो मेरे पर हैवी ड्राइवर नहीं बन सकता, पर मैं उसको सीधा हैवी ड्राइवर बन के उसको कुचला तो नहीं, पर इसको सीधा करल से फिनिश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे मेरा टीममेट भाई एक बॉट को अपनी स्नाइपर से मार रहा था भाई, मैंने सोचा कि जाके उसका किल उठा लेते, क्योंकि देखो सीधी बात है किल चोरी कर लो बॉट का कोई दिक्कत नहीं, अगर वो तुम्हारा दोस्त होता या अपना टीममेट है तो भाई आराम से किल चुराओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर वो कुछ बोल रहा है तो भाई वो तुम्हारा टीममेट नहीं है भाई, असली टीममेट। अब क्या होता है हम लोग आते सीधा अपार्टमेंट की तरफ, और अपार्टमेंट आते साथ यहाँ पे गाड़ी भी आती है, जिसको भले ही हम लोग डैमेज है पर उसके बाद मेरे टीममेट्स उसको जाके फिनिश कर देते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं स्कूल की तरफ, और यहाँ भी एक गाड़ी मिलती है, जिसमें से एक किल मैं उठाता हूँ पहले, फिर यहाँ पे एक किल मेरा टीममेट उठाता है, और क्या होता है पीछे एक बंदा होता है इस पत्थर के पास, जो हमारे टीममेट से 1v1 लेने का ट्राई कर रहा होता है, पर बंदा भूल गया कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं उसको ऐसा स्प्रे मार दूँ सीधा, दो हेड बंदा खत्म।
पर तभी ना भाई उधर से आ जाता है एक मैका। अब भाई मैका आया तो मैका में बंदे भी तो होंगे, और ये बंदे को मैं सीधा बहुत लो कर देता, पर मेरा टीममेट एक गोली मार के किल चोरी कर लेता है और उसके बाद हम लोग वहाँ पिट जाते हैं। अब वहाँ से पिटने के बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं स्टील आर्क की तरफ। एक बंदे को नॉक करता हूँ, यहाँ आता हूँ, एक बॉट मिलता है, बॉट का किल उठा लेता हूँ, क्योंकि देखो बॉट का किल लेना जरूरी है तभी तो केडी बढ़ेगी भाई, मानो ना मानो मैंने 0.10 की केडी बॉट मार के ही बढ़ाई है। मजाक करो भाई, उसमें असली बंदे भी होते हैं, बॉट तो गिने चुने मिलते हैं। और भाई मेरे टीममेट इतने भूखे नंगे राक्षस है भाई, बॉट कोई नहीं छोड़ता, बॉट के पीछे सब भागेंगे, बस एक आध टीममेट बहुत अच्छा होता है। अब भाई यहाँ पे सामने एक बंदा मिराडो लेके आते हैं हम लोग के ऊपर। अब भाई मैंने सोचा भाई मैं आराम से मार दूंगा। अब क्या होता है, ये दो बंदे होते हैं जिसमें से एक को तो पहले यहाँ लो करता हूँ। अब भाई मेरा थोड़ा सा एम थोड़ा सा तो इधर उधर होता है, तो उसको फिलहाल थोड़ा साइड करता है। भाई बंदे को सीधा नॉक करता हूँ, और सीधा नॉक करने के बाद अब क्या तो उसका टीममेट भी होता है, और जिसको मेरा टीममेट बहुत लो कर चुका होता है ऑलरेडी, तो मैं उसको दो गोली मार के फिनिश डालता हूँ। और फिनिश डालने के बाद आके यहाँ पे 1v2 करने के बाद यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाते हैं बार्न हाउस की तरफ। यहाँ सामने तो यहाँ से थोड़ा दूर एक बार्न हाउस होता है ये दूसरी वाली शिप के पास, तो वहाँ आते हैं। अब भाई मैं सोचता हूँ यहाँ से जेट पैक का यूज़ करके छत वगैरह पर चल जाऊँगा, पर तब तक भाई बंदे का उधर से एक लेजर स्प्रे आता है, उसने सीधा मुझे एक HP किया। पर तब तक भाई हम लोग की मेरी पूरी टीम यहाँ आ चुकी थी, तो मैं को डर तो नहीं था कि भाई नॉक होगा तो सीधा फिनिश डलेगा, पर तब तक क्या होता है ना मेरी टीम असल में नॉक होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मैं बंदों को थोड़ा सा टैप टैप मार के थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो असल में मैं दे नहीं पाता हूँ। फिर हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पेट्रोल पंप होता है जहाँ से ये मिलिट्री बेस का ब्रिज जाता है। अब वहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक नहीं प्रॉपर एक स्क्वाड बैठी हुई थी, एक बंदा क्या ही होता है। अब भाई मेरा टीममेट ने निकाल दिया वहाँ एक नॉक। अब भाई सीधा हम लोग घुसते हैं, अब मैं नीचे उतरता हूँ, अब देख सकते हो नीचे बंदे बहुत हैं। मैंने सीधा M4 से गेट तोड़ा, दो बंदों को नॉक किया, अब देख सकते हो नीचे मुझे लगा ये गिली सूट में, पर ये मेरा नॉक असल में था नहीं। फिर यहाँ से एक बंदा आता है, ये बंदा आके मेरे को नॉक कर दे, और मेरा टीममेट बोलता है किल के पीछे नहीं जाने का भाई, बंदे के पीछे जाने का, जिसके चक्कर में मरते मरते तो बच ही जाता हूँ। पर भाई देखो तीन टीममेट थे साथ में, मुझे लगा तो नहीं कि मैं मारूंगा, पर क्या होता है हम लोग सामने वाले बंदों को बहुत डैमेज दे रहे होते हैं असल में। अब भाई डैमेज देने के बाद क्या होता है पीछे जा जाते हैं M24 का शॉट। भाई हम लोग समझ गए थे भाई एक बंदा तो है पीछे। अब क्या होता है उस बंदे ने मेरे टीममेट को पहले तो नॉक किया, पर तब तक जब तक वो फिनिश करता मुझे वो स्पॉट हो चुका था, और स्पॉट होने के बाद सीधा उस पर एक लेजर स्प्रे। अगर आप लोग को बोलना है बोल लो, वरना तो मैं तो लेजर स्प्रे ही मानूंगा। अब भाई लेजर स्प्रे देने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे फिर से शिप वाले बंदों को मारने, पर इस बार हम लोग ने एंगल चेंज कर लिया। और भाई मजाक छट के मुझे नहीं पता भाई मेरी गन में वो नई वाली M4 का इफेक्ट कैसे आ गया। देखो एक गोली मार रहा हूँ, बड़े खतरनाक ब्लू ब्लू चमक रहा है। भाई मैं अपने टीममेट से पूछ भी रहा हूँ, क्या तेरे पास तूने नई स्किन निकाल ली, इतना पैसा तो है नहीं तेरे पे, तू साल मेरी तरफ फकीरी है, तेरे पे इतना पैसा तो होना नहीं चाहिए। तो बोलता है भाई हम मार रहे, पर वो सब पता नहीं उसको कोई और मार रहा होगा। अब क्या होता है सामने से एक बंदा जेट पैक का यूज़ करके आ रहा होता है, जिसको मैं यहाँ पे लो करने की कोशिश करता हूँ, और लो बहुत भी करता हूँ, पर तब तक मेरे टीममेट की एक गोली आती है उधर से, उसने इस बंदे को सीधा नॉक किया। और तब तक देख सकते हो पीछे हमारे नंबर 4 ने एक बंदे को नॉक कर दिया। अब जैसे ही उसने नॉक किया, अब एक बंदा सांप बन के बैठा हुआ था, उसने हमारे नंबर 4 को नॉक कर दिया। और भाई इस ये बंदा मेरे बगल में ही था, तो मैं इसको सीधा नॉक करता हूँ, फिनिश डालता हूँ, और एक लग जाते हैं हम लोग उस बंदे के पीछे जिसको मेरे टीममेट ने नॉक किया था। और गाइस देख लो वो जस्ट मेरे सामने इस पत्थर पे, और मैं उसको आराम से बैठ के देख रहा होता कि वो जैसे रिवाइव होगा तब तक उसको मारूंगा, पर वो हम लोग उसको मार ही देते। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा, जय श्री राम। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। हवन चीर दजावे लगे बाजी चौं जहर हथ नहीं।